बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइस एंड स्वीट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी रेसिपी। तो आज हम बनाना सीखेंगे हलवा पूरी और स्पेशल चने। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपको बाजार से हलवा पूरी मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत ही आसानी से इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में नीम गर्म पानी ले लेंगे और यहाँ मैंने 1/2 kg चने लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। चनों को हम इस नीम गर्म पानी में शामिल करेंगे और इन्हें कवर कर देंगे। कवर करके हम इन्हें 6 से 8 घंटे के लिए रखेंगे। मैंने इन्हें ओवरनाइट रखा था। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो चनों को हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। कुकर में डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। जैसे ही विसल ऑन होगी तो हम इसे मज़ीद 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बीस मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो चने बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप बटर। मैं होममेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे सिंपल कुकिंग ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 अदद लाल मिर्चें। इन्हें हम क्रश किए बगैर ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैं ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आप इन्हें फाइन चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3 टमाटर। टमाटर भी मैं ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आप टमाटर प्यूरी भी शामिल कर सकते हैं और इन्हें फाइन चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। इन्हें भी मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर का। इन सारे स्पाइसेस को हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ये हम कलर और टेस्ट दोनों के लिए शामिल करेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। चने शामिल करने के बाद हम इन्हें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चने फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप पानी के। जिस पानी में आपने चने बॉईल किए थे, अगर आपके पास वो पानी बचा हुआ हो तो आपने वो ही शामिल करना है। इसमें पानी शामिल करने के बाद इसे कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट पक चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप क्रीम। क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन्हें देंगे फाइनल टच कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पाइसेस के साथ, जिससे चनों की खुशबू, फ्लेवर और टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून खुश्क मेथी। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें गार्निश करेंगे सब्ज मिर्चों से, स्लाइसेस में कट किए हुए अदरक से और बारीक कटे हुए फ्रेश सब्ज धनिए से। गार्निश करने के बाद मज़ीद इसे 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार, जायके से भरपूर चने तैयार हैं। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सा हलवा। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1/2 कप घी लिया है। जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें शामिल करेंगे 4 छोटी इलायचियां, जिन्हें हम हल्का सा क्रश करके शामिल करेंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को हम फ्राई करेंगे 6 से 7 मिनट के लिए, या तब तक जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। मैं इसे घी में बनाकर तैयार कर रही हूँ। अगर आपको घी पसंद ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सूजी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2.5 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा मिक्स होना शुरू होगा तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/8 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। तो इसे हमने अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं इसमें पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। दो से तीन मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं घी सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो थोड़ी देर रखने के बाद आप एक्स्ट्रा घी निकाल भी सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम बाद में गार्निश करेंगे। अब हम बनाएंगे पूरियाँ। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे। अगर आप इसको आटे से बनाना चाहें तो आप 2 कप आटा ले लें और 1 कप मैदा ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। लेकिन मैं मैदे से बना रही हूँ। तो 3 कप मैदा लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या घी। मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि 3 कप मैदे के हैं तो एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ इसमें जो पानी जाएगा वो है 1.25 कप। तो पानी शामिल करने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट में प्रॉपर एक डो बनके तैयार हो जाएगी। आप सिंपल हाथ से भी इसे गूंथ सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम आटा गूंथते हैं। तो डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे और हाथों की मदद से हल्का सा सेट कर लेंगे। अगर ये हाथों के साथ चिपक रही हो तो आप हाथ पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और इसे सेट कर लें। तो डो सेट हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये मज़ीद अच्छे से सेट हो जाए। पंद्रह मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए डो बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। हमने इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बल्कि सॉफ्ट सी डो ही तैयार करेंगे। अब हम इसे बनाएंगे बॉल्स। तो ये तकरीबन 11 से 12 बॉल्स बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ मैंने एक बॉल बना ली है। सेम इसी तरह से 1 बाय 1 सारी बॉल्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें 1 बाय 1 रोल आउट करते जाएंगे।
रोल आउट करने के लिए यहाँ हम कुछ मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और पहले हाथ की मदद से दोनों तरफ से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। फिर हम इसे रोलिंग पिन की मदद से रोल आउट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रोलिंग पिन से ही प्रॉपर शेप दें, हल्का सा रोल आउट करने के बाद आप इसे हाथ की मदद से भी सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और इजीली इसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो मैंने इसे रोल आउट कर लिया है और ऑयल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसे हम तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे। तो ये देखिए ऑयल में डालते ही ये फ़ौरन से फूलना शुरू हो गई है। फिर हम इसे हल्का हल्का घुमाते हुए पका लेंगे। पहले एक साइड से पकाएंगे और फिर साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो बस आप इन्हें ऑयल में डालते जाएं और ये फ़ौरन से पक के तैयार होती जाएंगी। तो ये पक चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये क्रिस्पी चाहिए तो आप इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें, लेकिन अगर आप इन्हें सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो बस वाइट वाइट ही निकालते जाएँ, गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हम बाकी पूरियाँ भी बनाकर तैयार कर लेंगे और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो रही हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम बाज़ार से ये नाश्ता मंगवाते हैं क्योंकि हमें ये बनाना मुश्किल लग रहा होता है। तो इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप बहुत ही आसानी से घर पर इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी सी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। हलवे को अब मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से। पूरी भी मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो जब भी आपका दिल चाहे गर्मा गर्म नाश्ता घर में बनाकर तैयार करें तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज शेयर कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।